और सिर्फ सर से गर्दन तक का ही हिस्सा तो मिल पाया है। शिनाख्त अब भी जारी है कि हिंदू था या मुसलमान था वो। किसी ने चीख में आह की आवाज सुनी थी, न जाने वो राम का था या दर्द में उसने अल्लाह पुकारा था। पर कुछ लोग हैं जिन्होंने हिंदू मान लिया है उसे, कुछ और भी हैं जो उसे सिर्फ मुसलमान जानते हैं। अरे अरे बस यही कुछ का मानना, बस यही यही इतना काफी है वो बदनाम मंजर फिर से दोहराने के लिए, हिंदू या मुसलमान। और भाई मैं कैसा लग रहा हूं? अबे अबे ये क्या पहन रखा है तूने? अरे मैंने तुझे बताया तो था कि हमारी ड्रामा सोसाइटी एक प्ले ऑर्गेनाइज कर रही है रिपब्लिक डे की ओकेजन पे, उसमें मैं अशफाकुल्ला खां का रोल निभा रहा हूँ। हम लोगों को दंगों के खिलाफ जागरूक करना चाहते हैं। अच्छा चल फिर ठीक है, लेकिन थोड़ा संभल के जाना, शहर का माहौल कुछ ठीक नहीं है। शुक्रिया भाई, फिर मैं चलता हूँ, मुझे अपने डायलॉग्स भी तो याद करने हैं। चल ऑल द बेस्ट। अरे देखो देखो ये मुसलमान क्या कर रहा है हमारे मोहल्ले में, इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे मोहल्ले में कदम रखने की? देखो तो इतनी अकड़ में चल रहा है। अरे अभी निकालते हैं इसकी सारी अकड़। अबे रुक, जाता किधर है? इधर आ। अरे भाई इतना गुस्से में क्यों हो? मैंने क्या किया है? मैंने क्या किया है? अरे हर जगह दंगे फसाद करा दिए, हमारे घर का चैन छीन लिया और कहते मैंने क्या किया है? तू मुसलमान जात हमारे मोहल्ले में आकर हमसे ही सवाल लड़ाता है? अरे भाई ये मोहल्ला भी तो मेरा ही है। एक खबरदार जो खुद को इस मोहल्ले का कहा, तो एक तो हमारे मोहल्ले में आने की जरूरत करता है और फिर खुद को हिंदू बताता है। मारो उसको, मारो। अरे अरे क्या कर रहे हो ये? अरे क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? अरे मालूम है आज ये मुसलमान नहीं बचेगा, तो इसके किए की सजा मिल के रहेगी। मुसलमान? अरे पागल हो गए हो क्या? ये मुसलमान नहीं है। पागल हो गए हो क्या? कोई हिंदू भला ऐसे कपड़े क्यों पहनेगा? ये मुसलमान ही है। साथ देख के दुनिया की आंखें खटकती थी,
हमारी यारी देख के उनकी नफरतें हम पे अटकती थी। मैंने उसके घर की सेवैयां भी खाई, दिवाली की मिठाइयां मैंने उसको भी खिलाई हैं। हर खुशी पे उसके घर से मेरे घर बधाइयां आई हैं। मैंने अपनी तकलीफें उसको सुनाई हैं, मैंने उसको अपनी पूजा सिखाई है, उसने भी मुझे अपनी नमाज पढ़ाई है। दिवाली पे उसने फुलझड़ियां जलाई हैं, रमजान के महीने में अपने घर की खिड़कियों पे मैंने लाइटें लगाई। क्यों क्यों तुम्हारा प्रमाण मेरे लिए ज़रूरी है? क्यों मैं अपने हिसाब से जी नहीं सकता? क्यों मैं उसके घर का खा नहीं सकता? क्यों वो मेरा जूठा पी नहीं सकता? मैं हाजी अली भी गया हूँ, वो गंगा घाट भी आया है, और इफ्तार का खाना हम दोनों ने साथ में खाया है। हिंदू और मुस्लिम एक हो नहीं सकते, कौन कह गया ये तुझे? अरे ये कौन सा परिंदा था? तुझे क्या पता राम रहीम जिगरी दोस्त रहे होंगे? तू क्या तब जिंदा था? मैंने उसके घर की शादियों में मजा खान पान कर लिया है, मेरे घर की शादियों में उसने कन्यादान भी किया है। क्यों क्यों ये भाईचारा देख के तंग होते हो? तिलक और टोपी का मिलन देख के तंग होते हो? गीता और कुरान में कहाँ कुछ अलग बताया है? दोनों ने हमको सिर्फ और सिर्फ अमन सिखाया है। यदि इस पर भी आपत्ति है तेरी, तो खुली चुनौती है मेरी, तो बता किस आयत में है ये बात बताई कि मुसलमान मेरा दोस्त नहीं हो सकता और हिंदू उसका भाई? चैनल पर आखिर कब तक हमारे शहर में ये दंगों और दहशत का मंजर बना रहेगा? जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर तरफ हिंदू और मुस्लिम के बीच दंगे भड़के हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारी सरकार ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है इन दंगों पर काबू पाने के लिए। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री सर। नेताजी, जैसा कि आप जानते ही हैं कि शहर का माहौल कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो आपका क्या कहना है कि इन दंगों के पीछे किसका हाथ है और वो हमसे चाहते क्या हैं? रानी का। देखिए, एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम और हमारी पार्टी इस दंगे की कड़ी निंदा करते हैं। बाकी हमने होम मिनिस्टर से बात करनी है और उच्च अधिकारियों की टीम गठित कर दी है इस दंगे की जांच के लिए, और हम आपको भरोसा दिला रहे हैं इस दंगे के पीछे जो भी होगा हम उसे जनता के सामने ला खड़ा करेंगे। बस यही लगता है कि किसी ना किसी का यह हाथ है, ये हिंदू और मुस्लिम के बीच जो है कुछ ना कुछ ये भड़काना चाह रहा है, और लगता ही है मुझे ऐसा कि कहीं ना कहीं ये विरोधी पार्टी का कुछ ना कुछ चाल लग रहा है, हमारे अच्छे खासे छवि को वो बर्बाद करना चाह रहे हैं। लेकिन हम भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। इस दंगे के पीछे जो भी होगा हम उसे कानून के सजा से बचने नहीं देंगे। लेकिन सर, लोगों के मन में जो डर बैठा हुआ है उसे कम करने के लिए और इन दंगों पर काबू पाने के लिए आपकी सरकार की तरफ से कोई खास प्रयास देखे नहीं गए हैं, आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, शहर की तो हालत काफी खराब है और लोगों का डरना भी जायज है। बाकी आर्मी जनरल से बात कर लिया, आर्मी बुलाने का हमको। वैसे मुझे उम्मीद है कि आर्मी के आते ही हम इस दंगे पे काबू पा लेंगे। बस जनता से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि कृपया वो धीरज बनाए रखें, आखिर उन्होंने मुझसे भरोसा किया है तो हम उनके भरोसे को टूटने नहीं देंगे। सर, अगर आपने आर्मी जनरल से बात कर ली है तो आर्मी फोर्सेस को आने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? देखिए, हमें काफी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है, हमारे पास और भी मसले हैं बात करने के लिए। हम आपके सवालों का जवाब कभी और दे देंगे, चलते हैं। धन्यवाद नेताजी। तो जैसा कि आप सबने सुना, मंत्री जी का कहना है कि उन्होंने आर्मी जनरल से बात कर ली है, तो आखिर कब तक आर्मी फोर्सेस शहर में आकर पहुंचेंगी? कब तक ये दंगे इसी तरह चलते रहेंगे? जानने के लिए जुड़े रहिए कब तक चैनल के साथ। धन्यवाद। This is battalion leader. We need backup. We need immediate backup. Over. This is base. Backup forces जल्द से जल्द पहुंच जाएंगी।
बस अपनी पोजीशन होल्ड करो, ओवर। सर हम और देर पोजीशन होल्ड नहीं कर सकते, दुश्मन की तादाद हमसे कहीं ज्यादा है, जल्द से जल्द बैकअप भेजिए, नहीं तो हमारे सारे जवान बेमौत मारे जाएंगे, ओवर। हमारी बैकअप यूनिट सिटी के दंगों को कंट्रोल करने के लिए डिप्लॉयड है, मैंने मिनिस्टर से बात कर ली है, बैकअप किसी भी वक्त आता हूँ। बटालियन लीडर डू यू कॉपी? बटालियन लीडर डू यू कॉपी? अबे हट! हिंदुस्तानी फौजी, बहुत गुरूर है ना तुम्हें अपने हिंदुस्तान पे, बहुत जोश, बहुत जज्बा है ना, क्या हुआ सारा का सारा जोश ठंडा पड़ गया ना, बोल बोलता क्यों नहीं, चिल्ला चिल्ला के अपने साथियों को बुला। अरे 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 वो आवाज कैसी, हिंदुस्तान हिंदुस्तानी फौजी आ रहे हैं, हिंदुस्तानी फौजी। कोई नहीं आएगा, सुना तूने, कोई नहीं आएगा, तेरे सारे साथियों को चुन चुन के मारा है, चुन चुन के मारा है, और अब तू तू भी कुत्ते की मौत मारा जाएगा। जावेद, एक मुसलमान हिंदुस्तानी फौजी, और तुम मिला होगा तुझे अपने इन मुसलमान भाइयों का खून बहा के, अरे अपनी कौम से गद्दारी करके क्या मिला तुझे, अरे अल्लाह के पास किस मुंह से जाऊंगा तू, वैसे अभी भी वक्त है, मैं तो कहता हूं तुम्हारे साथ चला, अपनी बची कुची जिंदगी को नापाक होने से बचा ले, नहीं नहीं तुम चाहे तो मेरी जान ले लो, लेकिन मैं गद्दारी करके अपने देश को बर्बाद नहीं होने दे सकता। अरे देश बर्बाद होता है तो होने दे, तेरे बारे में सोच, तेरी बची कुची जिंदगी ऐशो आराम से कट सकती है, और अगर अल्लाह ने चाहा तो जब ही ये हिंदुस्तान हमारा होगा। अरे सपने देखना छोड़ दे, तेरे जैसे ना जाने कितने आए और कितने चले गए, लेकिन मेरे हिंदुस्तान की नींव को ना कोई हिला पाया है और ना हिला पाएगा। जब तक हम फौजी जिंदा हैं, तुम हमारे देश में घुस भी नहीं पाओगे। अरे क्यों ऐसे मुल्क के लिए जान देना चाहता है जहां के लोग तुम्हारे ही कौम को गद्दार कहते हैं। अरे हाँ हाँ है, यहां पर कुछ लोग जो समय समय पर हमें देशभक्ति सिखाते हैं, जैसे कि तुम लोग हमें खड़ी खड़ी इस्लाम का पाठ पढ़ाते हो। देख देख मेरा मजहब है इस्लाम, लेकिन मेरा मुल्क है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान हिंदुस्तान, अब तू देख हिंदुस्तानी फौजियों के साथ हम क्या करते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा। महावीर की और बुद्ध की, नानक की चिश्ती की और गांधी की धरती पर मैं जब आतंक के ऐसे नज़ारे देखता हूँ, तो मैं जब अपनी ही जमीन पर अपने ही लोगों की बहती खून की धारें देखता हूँ, तो मेरे कानों में जब आती हैं उन मजदूर और गमसे नरसती माओं की चीखें कि जिनके बेटे ये कहकर गए थे शाम से पहले ही घर लौटाएंगे हम, तो मैं जब भी देखता हूँ सूनी और उजड़ी हुई मांगे
ये सब हैरान से चेहरे, ये सब भीगी हुई आंखें, तो मेरी आंखें हर ओर ढूंढती हैं उन दरिंदों को जिन्होंने ट्रेन में, बस में, जिन्होंने सड़कों में, बाजारों में बम आके हैं फोड़े, जिन्होंने अस्पतालों को भी नहीं छोड़ा, मंदिर और मस्जिद तक नहीं छोड़े, जिन्होंने मेरे ही लोगों के खून से मेरे शहरों को रंगा है, वो जिनका होना ही इस मुल्क की बिना गलती की सबसे बड़ी सजा है। नमस्कार, मैं हूं मिनी सिंह। आज हम आए हैं शहीद जावेद खान के घर पर, जहां उनकी शोक सभा चल रही है। तो चलिए हम उनके पिता से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। सर, आपके बेटे ने अपनी जान राष्ट्र के लिए कुर्बान कर दी, आपको ये जानकर कैसा लग रहा है? तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री सर भी आ चुके हैं, तो चलिए अब हम उनसे बात करते हैं। सर, इस दुखद घटना पर आपका क्या कहना है? देखिए नौजवान जावेद इस घर का ही बेटा नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का बेटा था वो, और इससे सिर्फ हमें नहीं पूरे देश को चोट पहुंची है। हमारी जावेद के परिवार के साथ पूरी सहानुभूति है, इसलिए हमारी सरकार ने जावेद के परिवार को 10 लाख का मुआवजा देने का फैसला किया। लेकिन सर, इस बढ़ते हुए आतंकवाद पर काबू पाने के लिए आपने क्या सोचा है? अब इस बार क्या करने वाले हमारी पार्टी की एक लोकसभा में बिल पास। आपकी बात का जवाब जरूर दूंगा। एक बात खोद लेना जहन की दीवारों में, खुदगर्ज सियासत की कमजोर मीनारों में, एक बात खोद लेना अपने जहन की दीवारों में, खुदगर्ज सियासत की कमजोर मीनारों में, बेशक रहे अंधेरा कब्र पे उसकी, लेकिन कुत्ते नहीं चढ़ेंगे शेरों की मजारों पे। अरे क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? सही कह रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ और सही समझ रहे हो तो चले जाओ यहाँ से। हाँ चलो, बहुत बेइज्जती हो गई, देख लेंगे। अरे खान साहब, हमारी सरकार। बस नेताजी, माफ कर दीजिए मुझे, मैं अब अकेला रहना चाहता हूँ, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। एक बात बताइए, वो जो मुआवजे का पैसा था उससे तो आपने मालकिन के लिए हार खरीद लिया, अब कहां से लाएंगे इतना पैसा, कुछ सोचे हैं? अरे मुरारी, बहुत भोले हो तुम, सब कुछ हमारे पे छोड़ दो। अरे जांच एजेंसी से बात करके हम उसको देशद्रोही साबित करवा देंगे। अरे इसे कैसे, किसी को देशद्रोही साबित करना इतना आसान काम होता है का? अरे मुरारी, ये हिंदू राष्ट्र है हिंदू राष्ट्र, यहाँ मुसलमानों के प्रति लोगों को भड़काना कोई बड़ी बात नहीं है। अरे वाह नेताजी, मान गए हम आपके मास्टरमाइंड को, ऐसे ही राजनीति में 3 साल से निर्विरोध जीतते आ रहे हैं। चलिए हम मीडिया से बात करते और आज के आज ही आपकी बैठक तय करा देते हैं। कराओ भाई मुरारी, बहुत दिन हो गए अखबार में फोटो नहीं आया यार। आज की ब्रेकिंग न्यूज, जांच एजेंसी की रिपोर्ट में पाया गया है कि ऑफिसर जावेद खान के अलकायदा सरगना से काफी पुराने संबंध थे, जिसका मतलब ये है कि जिसे अभी तक हम सब एक शहीद मानते थे वो असल में एक देशद्रोही निकला।
और जितने भी जवान इस जंग में मारे गए उनकी मौत के पीछे देशद्रोही जावेद खान का ही हाथ। हमारा इस प्ले को करने का सिर्फ इतना उद्देश्य था कि इंसान के पास आज के युग में लड़ने के लिए बहुत सी वजहें हैं। कृपया धर्म को और मजहब को एक वजह ना बनाएं, और चाहे फौजी चाहे हिंदू या हो या मुसलमान हो, वो दुश्मन की गोली छाती पर खाकर उसको दर्द नहीं होता, अपनों की गोली पीठ पर खाकर उसको दर्द होता है, अपनों की गोली पीठ पर खाकर उसको दर्द होता है। और शाम का अंत करते हुए क्यों चार होगा, बंदूक तान कर देख लिया आँखों से आंसू नहीं बहे, शीश काट कर देख लिया आँखों से आंसू नहीं बहे, वो फौजी रोया था गाली खाकर भारत के गद्दारों से, वो फौजी रोया था पत्थर खाकर कश्मीरी मीनारों से, हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे सुनकर छलकी थी आंखें, हम भारत में नहीं रहेंगे सुनकर छलकी थी आंखें, मजहब का जलता अंगारा सुनकर भी वो रोया था, भारत मुर्दाबाद का नारा सुनकर भी वो रोया था, तुम सेना को ललकारोगे ये सुनकर भी रोया था, और तुम कितने अफजल मारोगे ये सुनकर भी वो रोया था।
पहली गोली लगी कलाई कड़कड़ करके टूट गई, बहना की राखी मानो तब शायद उससे रूठ गई, खून सनी जब लाश उसकी उसके दरवाजे आई थी, पापा 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 कहकर बेटी उसकी चिल्लाई थी, सुख भरपूर गया था मांग का सिंदूर गया था, नन्हे नौ निहालों की लंगोटी थी चली गई, बाप की दवाई गई भाई की पढ़ाई गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटी थी चली गई, ऐसा विस्फोट हुआ जिस्म का पता ही नहीं, पूरे ही जिस्म की बोटी बोटी चली गई, और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, पर उसके घर की तो रोटी चली गई, पर उसके घर की तो रोटी चली गई। ध्यान रहे मेरे दोस्तों, ये ध्यान रहे, जब फौजी सरहद पर होता है तब जाकर हिंदुस्तानी गहरी नींद में सोता है, अभी आप लोग जाएंगे और गहरी नींद में सो जाएंगे क्योंकि कोई आपके लिए सरहद पर जाग रहा है। जय हिंद, धन्यवाद। जो शहीद